بسم الله الرحمن الرحيم. स्टूडेंट्स एक मतलब फिर यूनिट नंबर 7 के सिलसिले में न्यूमेरिकल नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे. भैया आपको मिलेगा पेज नंबर 160 पर, तो बुक ओपन कीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो. न्यूमेरिकल्स की वर्डिंग, उससे बनने वाला डेटा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. रिकॉर्डेड फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करके देने की वजह ये है कि आप बार बार रिपीट करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए. तो नंबर 9 की तरफ आते हैं, वो कॉपी कीजिएगा पेज नंबर 160. ओके. A liquid flows through a pipe. एक लिक्विड पाइप के जरिए फ्लो करना. With a diameter of 0.50 meter. पाइप का डायमीटर क्या है? स्टूडेंट्स याद है ना, आपको पहले भी बताया है. डायमीटर को 2 से डिवाइड कीजिएगा, रेडियस आ जाएगा 0.25 मीटर, यानी रेडियस. एट ए स्पीड ऑफ 4.20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है 4.20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो? रेट ऑफ फ्लो पूछा है. इन लीटर पर मिनट, यानी रिक्वायर्ड जो है ना वो ये है वी ओवर टी, यानी रेट ऑफ वॉल्यूम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लूड कितना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है. What is the rate of flow in liter per minute? Answer liter per minute में निकालना है. इससे भी अंदाजा हो जाएगा आपको कि V over T आपको कैलकुलेट करना है. लीटर वॉल्यूम का यूनिट, मिनट टाइम का यूनिट, तो V over T आपको कैलकुलेट करना है. सिंपल सा सवाल है. फ्लूड है, पाइप में फ्लो कर रहा है, उसका डायमीटर गिवन था, डायमीटर से आपने रेडियस निकाल लिया, 2 से डिवाइड कर दिया. वेलोसिटी गिवन है फ्लूड की, फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो आपको रेट ऑफ फ्लो जो है लीटर पर मिनट में निकालना है. यहां रेट ऑफ फ्लो का मतलब है रेट ऑफ वॉल्यूम, यह आपको निकालना. लेकिन ये जेन पे है कि लीटर पर मिनट में निकाल लेंगे. सही. देखिए यहां सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं. इसमें हम लोग यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी. Equations of continuity. First, AV is equal to constant. Dusra statement, V over T is equal to constant. Dono ko compare kiye, to V over T is equal to AV. V over T is equal to A की जगह pi R square. This is V. Value put किया है. Pi की जगह 3.142. R की जगह
0.25, वेलोसिटी की जगह 4.20, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, टाइम का सेकंड, मीटर में है सेकंड में है, ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, लेकिन हमें तो चाहिए लीटर पर मिनट में, इसका मतलब है एक सेकंड में इतना मीटर क्यूब। तो पहले आप पर मिनट में ले आइए, आसानी के लिए इसमें ले आइए पर मिनट में, एक सेकंड में इतना, तो एक मिनट में कितना, तो एक मिनट में लाने के लिए जो रिजल्ट आया इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा। यानी जो भी रिजल्ट आया उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पर मिनट का रिजल्ट आ जाएगा। मीटर क्यूब पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मीटर क्यूब, आपको एक मिनट का चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, सही है? ओके। अब लीटर का मसला करें, देखिएगा 1 dm बराबर होता है 10^-1 m³ के, 1 dm बराबर है 10^-1 m³ के। दोनों तरफ क्यूब कीजिए, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ये dm क्यूब, इस पर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10^-3 m³। सही है, dm क्यूब लीटर के बराबर होता है, dm क्यूब किसके बराबर होता है, लीटर के। 1 liter is equal to 10^-3 m³। मीटर क्यूब, इसको इधर ले आइए, 1/10^-3 लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, इसको ऊपर ले आइए तो 10^3 liter इज इक्वल टू 1 m³ या मीटर क्यूब, 1 नहीं मिलेंगे। यदि 1 m³ किसके बराबर होता है 10^3 liter के, तो मीटर क्यूब की जगह इसकी वैल्यू नोट कर दीजिए, ये देखिएगा V/T। जब आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया मीटर क्यूब पर मिनट में, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब की जगह आप नोट कर दीजिए इसकी वैल्यू, यानी 10^3 liter और ये मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे तो V/T हो जाएगा 10^3 liter। फिर देखो V/T मीटर क्यूब पर सेकंड में है, पर सेकंड का मतलब है जो भी रिजल्ट है वो एक सेकंड का है, आपको पर मिनट का चाहिए तो मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मीटर क्यूब पर मिनट में आ गया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर क्यूब पर मिनट में। मीटर क्यूब बराबर होता है 10^3 liter के, उसकी वैल्यू पुट की, उसकी वैल्यू पुट की,
फिर 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा लीटर पर मिनट में। और बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, बुक के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के। क्लियर? कंफ्यूजन हो, रिवीजन करनी हो तो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मकसद ये है कि आप इसको बार बार देखें। ओके, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम।